बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल मिस फिलिप। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपने घर में शाद होंगे, बाहर होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घर में जुबान के। आज हम बना रहे कबाब। यहाँ मैंने दाल उबाल ली, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और गोल मिर्ची डाली है और इसमें पानी डाल के इसको उबालने रख दिया है। यहाँ पे हमने आलू भी उबाल लिए। अब हम आलू को छीलेंगे। अभी यहाँ पे हम आलू छीलेंगे। हमने आलू छील लिए और हमने इसको बड़े भगोने में डाला है। अब इसको हम कूटेंगे। अब हम इसको कूट लेंगे। आलू कूट लिए थे, अब इसमें हमने दाल डाले। दाल को भी अच्छे से कूट लेंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, हद से ज़रूरत नमक डालेंगे इसमें। यहाँ पे हमने एक चम्मच हल्दी डाली है, आधी चम्मच, एक चम्मच पिसी मिर्च है, यहाँ पे हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इसे भी अच्छे से कूट लेंगे सारे। इसको कूटने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चे, प्याज और पुदीना, धनिया डाला है इसमें। अब हम इसको अच्छे से कूट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक अंडा डालेंगे हम। यहाँ पे हम एक अंडा डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बना लेंगे हम कबाब। यहाँ पे हम साबुत गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हमारी प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। अब यहाँ पे हम हरी मिर्च टमाटर डालेंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे और साथ ही साथ सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम 2 चम्मच पिसी हुई मिर्ची डालेंगे। एक चम्मच हल्दी और 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया। अब इसको अच्छे से भून लेंगे।
आटा को अच्छी तरह से हम गला लेंगे। अब हमारा मसाला रेडी है, अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसको ढक के पकाएंगे जो ये गल जाए। इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमें 1.5 गिलास पानी डाला है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हल्की आंच पे ढक के पकाएंगे। इस पे एक उबाल लाएंगे। हमने कबाब बना लिए, अब हम इसे तलेंगे अंडे में डुबो के। हमने कबाब अंडे में डुबो के तल लिए। अब यहाँ हमारे कबाब तैयार हैं और यहाँ पे हमने रायता भी बनाया साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखने का, याद रखें। अल्लाह हाफिज़।